सो हे गाइस वेलकम बैक। तो अगेन सर हम वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज के एक और नई ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने इस एंशिएंट सिटी को ढूंढा था एंड ये सिटी इतना बड़ा है, मतलब वैसे तो 1.19 अपडेट के बाद से एंशिएंट सिटी से गेम का बिगेस्ट स्ट्रक्चर है, बट स्टिल यार मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है। एंड मैंने कहीं पे तो सुना है यहाँ पे ना लूट भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलता है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इस जगह को गार्ड करता है एक बहुत ही खतरनाक मॉब दैट इज वार्डन। बट कोई बात नहीं, अपने सामने वार्डन कितना ही खतरनाक होगा। तो आज की इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी एंशिएंट सिटी को। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी बाय करना चाहते हो विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस की, वो भी बहुत ही अमेजिंग प्राइस में, तो आज ही विजिट कीजिए प्राइम टेक की इस वेबसाइट को। यहाँ पे आपको विंडोज 10 रिटेल की, OEM की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएंगे। एंड आप सभी के लिए एक और सरप्राइज, पेमेंट से पहले आपको कूपन कोड एंटर करना है AGM20 एंड आपको मिल जाएगा एडिशनल 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पे अपने विंडोज 10 की का फाइनल प्राइस हो चुका है $20.78। तो सच में यार बहुत अमेजिंग प्राइसिंग है। तो अगर आपको भी बिल्कुल जेन्युइन कीज परचेस करना है तो वेबसाइट का लिंक एंड कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वापस आते हैं अपने गेम प्ले में। तो इस पूरे एंशिएंट सिटी में इस तरह के स्कल्क सेंसर्स एंड श्रिकर्स भरे पड़े हैं। ये सेंसर्स बेसिकली फुटस्टेप या फिर किसी भी तरह के वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं। एंड अगर सेंसर के आसपास इस तरह के स्कल्क श्रिकर्स भी हो तो यहाँ से वार्डन स्पॉन हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्राउच होने की बजाय नॉर्मली चलूं तो ये श्रिकर एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट टाइम एक्टिव होने पे वार्निंग मिलता है, जैसे कि अभी हमें वार्निंग मिला है। एंड ऐसे टोटल 3 वार्निंग्स के बाद फोर्थ टाइम पे वार्डन स्पॉन हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, हमें या तो इन श्रिकर्स या फिर इन सेंसर्स को वुल से कवर कर देना है, जिससे कि ये वाइब्रेशन डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरे सिटी में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स एंड श्रिकर्स हैं एंड ये कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं, तो इनसे बचना यार बहुत मुश्किल है। अभी इस सिटी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं एंड हर एक रूम के अंदर एटलीस्ट एक चेस्ट तो होता ही है। तो मतलब सोच ही सकते हो इतना बड़ा सिटी है तो यहाँ से हमें कितने सारे चेस्ट मिलेंगे। अभी इन रूम्स के अंदर जाना भी ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो हमें ऊपर से ही जाना पड़ेगा। एंड क्या पता रूम के अंदर भी शिकर हो, तो यहाँ पे हमें हमेशा क्राउच होके जंप करना है। तो इस वाले रूम में तो कोई शिकर नहीं है, तो लेट्स सी कि इस चेस्ट में क्या है। ओ भाई साहब, फर्स्ट चेस्ट में से हमें डायमंड होय मिल चुका है, वो भी एफिशिएंसी 4 एन्चेंटमेंट के साथ। एंड इसी के साथ नेम टैग सैडल एंड डिस्क फ्रैगमेंट है। बाय द वे डिस्क फ्रैगमेंट भी 1.19 अपडेट में ऐड हुआ है, वैसे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, इससे प्रोबेबली हम लोग डिस्क बना सकते हैं। पता नहीं यार कैसे, बट यहाँ पे हमें वापस से एक वार्निंग मिल चुका है। वैसे तो डरने की बात नहीं है, सेकेंड वार्निंग है, तो यहाँ पे वार्डन तो स्पॉन नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली आसपास कहीं पे तो एक श्रिकर है। अरे भाई यहाँ पे एक नहीं दो दो श्रिकर्स हैं एंड इसी के साथ दो चेस्ट भी हैं। अभी मुझे पता नहीं है, बट मे बी चेस्ट ओपन करने से भी वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये श्रिकर्स वापस से एक्टिव हो सकते हैं। एंड हमें ऑलरेडी 2 वार्निंग्स मिल चुके हैं, तो अभी हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा। तो पहले तो इन्हें वुल ब्लॉक से कवर करते हैं, लेट्स सी कि चेस्ट में से हमें क्या मिलता है। तो इस वाले चेस्ट में 3 स्कल्क सेंसर्स। मैं यार सिल्क टच पिकेक्स नहीं लाया था, तो अच्छा है कि इसे हमें मिल गया। कुछ एमिथी शार्ट्स हैं, बट इनकी कोई खास जरूरत नहीं होती। एंड अगेन से हमें मिल चुका है एक डायमंड ऑयल। एक मिनट, इसमें ना कार्ड शॉप वैनिशिंग है, बट चलो यार कोई बात नहीं, यूज तो हम फिर भी कर सकते हैं। तो अभी चेक करते हैं दूसरे चेस्ट को। वैसे तो मैंने यहाँ पे सभी स्कल्क सेंसर्स को फुल ब्लॉक से कवर कर दिया है, बट कुछ कह नहीं सकते, क्या पता रूम के बाहर भी सेंसर्स लगे हो। तो सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे क्राउच होकर चल रहा हूँ। तो इस वाले चेस्ट में कुछ खास नहीं है, बस 2 रीजनरेशन के पोशंस हैं। तो अभी टाइम है वीकली शाउट आउट का। तो इस वीक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के टॉप एक्टिव मेंबर थे हर्ष, सो अ बिग शाउट आउट टू हिम। एंड अगर आप भी आना चाहते हो नेक्स्ट वीक के शाउट आउट में, तो ज्वाइन करो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को, वहां पे बाकी मेंबर्स के साथ चैट करो, बातें करो, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमें 3 और रूम्स मिल चुके हैं एंड डेफिनेटली इन रूम्स के अंदर भी चेस्ट होगा। अभी इन रूम्स के अलावा मैंने सुना है कि एंशिएंट सिटी में ना एक सीक्रेट रूम भी होता है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो रूम कहाँ पे है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। तो इस वाले चेस्ट में 2 एंचेंटमेंट बुक्स हैं, एक पावर 2 का, तो ये तो अपने किसी काम का नहीं है। ओ भाई दूसरा वाला काफी ओपी है, स्विफ्ट स्नीक 3। ये एंचेंटमेंट इसी अपडेट में ऐड हुआ है। बीटा वर्जन में ना ये एंचेंटमेंट बूट्स में यूज होता था, बट मेन वर्जन में ऐड होने के बाद से एक लेगिंग स्पेसिफिक एंचेंटमेंट है। वैसे यार काफी कमाल का एंचेंटमेंट है। होता ही है कि क्राउच होकर चलने पे अपने कैरेक्टर का स्पीड काफी कम हो जाता है, एंड इस एंचेंटमेंट को यूज करने से हम उसी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक स्विफ्ट स्नीक 3 के 5 लेवल्स होते हैं एंड हमें मिला है स्विफ्ट स्नीक 3। तो बेस पहुंचते हैं, हम इस एंचेंटमेंट को यूज करेंगे एंड देखेंगे इससे एक्चुअल में कितना स्पीड इंक्रीज होता है।
ओ भाई साहब, एक ही चेस्ट में दो दो एंचेंटेड एप्पल, मतलब यार गेम के अलग ही नशे हैं। इससे पहले हमें एक एंचेंटेड एप्पल मिला था डेजर्ट टेंपल से, एंड उसके बाद से तो मैं भूल ही गया था गेम में एंचेंटेड एप्पल्स भी होते हैं, एंड आज एक ही चेस्ट में से हमें दो दो मिल गए। तो फाइनली इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं सिटी के बिल्कुल सेंटर में, एंड यहाँ पे अपना एंशिएंट सिटी पोर्टल। अभी ये पोर्टल देखने में तो काफी अच्छा है, बट फिलहाल ये किसी काम का नहीं है क्योंकि हम इस पोर्टल को एक्टिव नहीं कर सकते। मे बी फ्यूचर में कुछ अपडेट्स आए जिससे कि हम इस पोर्टल को एक्टिव कर सके, बट फिलहाल के लिए बस एक शोपीस है। तो फाइनली अपना एंशिएंट सिटी एक्सप्लोरेशन हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से हमें लिटरली बहुत ही अमेजिंग लूट्स मिले हैं। टोटल हमें 3 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स मिले हैं एंड और भी काफी सारे लूट्स, एंड सबसे अमेजिंग बात अभी भी हम जिंदा हैं। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं अपने बेस में, एंड वहां पे पहुंच के हम ट्राई करेंगे अपने स्विफ्ट स्नेक 3 एंचेंटमेंट को। तो मैं तो यार सोच रहा था इस एंचेंटमेंट का मैक्स लेवल 5 है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेवल 3 मैक्स है। तो चलो फटाफट से अपने लेगिंग्स को एंचेंट करते हैं एंड लेट्स सी किससे अपना स्पीड कितना इंक्रीज होता है। तो अभी टाइम है टेस्टिंग का, तो मैंने लेगिंग्स पहन लिए एंड ये अपना नॉर्मल स्पीड, वही अगर मैं क्राउच होकर चलूं तो स्पीड बस थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, एंड अगर हम बिना लेगिंग्स के क्राउच होकर चले, अरे भाई ये कहां से आ गया। तो बिना लेगिंग्स के तो यार स्पीड बहुत ही कम है। तो काफी अच्छा एंचेंटमेंट है, अगर फ्यूचर में कभी वर्ल्डन पीछे पड़ जाए तो इससे हम लोग बहुत ही आसानी से भाग सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप सभी को आज के वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप सभी से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।